10 मई को कर्नाटक में विधानसभा चुनाव होने हैं और इसको लेकर तमाम राजनीतिक दल जमीनी स्तर पर उतरकर अपनी पैठ बनाने की कोशिश कर रहे हैं, जनता में भरोसा कायम करने की कोशिश कर रहे हैं। इसी बीच भारतीय जनता पार्टी का प्रचार करने के लिए देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चुनावी मैदान में हैं, बैक टू बैक कई रैलियां कर रहे हैं और जनता को ये भरोसा दिलाने की कोशिश कर रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी ही उन सभी के मुद्दों को पूरा कर सकती है और कोई दल नहीं कर सकता। कर्नाटक के अलग अलग जगहों पर प्रधानमंत्री मोदी लगातार रैलियां कर रही हैं, चुनावी जनसभाओं को संबोधित कर रही हैं और इस मंच से अपने विरोधियों को भी करारा जवाब दे रही हैं। कर्नाटक के मैसूर में पीएम मोदी ने एक बड़ा रोड शो किया, लेकिन यहां पर कुछ ऐसा हुआ जिसकी चर्चा हर तरफ हो रही है। जी हां, बड़ी खबर ये मिल रही है कि जिस वक्त कर्नाटक के मैसूर में प्रधानमंत्री का रोड शो चल रहा था, उस वक्त यहां पर एक बड़ी चूक देखी गई। हालांकि एसपीजी फौरन अलर्ट हो गई, जांच पड़ताल की गई तो मामला कुछ और ही निकलकर सामने आया। विस्तार से आपको पूरी जानकारी देते हैं। दरअसल मैसूर में प्रधानमंत्री मोदी का रोड शो चल रहा था और ये बहुत भव्य रोड शो था। हजारों की तादाद में लोग मौजूद थे, एसपीजी मौजूद थी और प्रधानमंत्री मोदी इन सबके बीच हाथ हिलाकर सबका अभिवादन कर रहे थे। प्रधानमंत्री मोदी को अपने बीच में पाकर जनता भी काफी खुश थी, लेकिन इसी बीच कुछ ऐसा हुआ जिसको देखकर हर कोई हैरान रह गया। दरअसल प्रधानमंत्री मोदी जिस वक्त जनता के बीच से निकल रहे थे, उन पर फूल बरसाए जा रहे थे कि अचानक ऐसा हुआ कि प्रधानमंत्री मोदी के पास फूल नहीं बल्कि एक फोन आकर गिरा। जैसे ही ये फोन प्रधानमंत्री मोदी के करीब आया, वैसे ही एसपीजी अलर्ट हो गई, लोग परेशान हो गए, एक अजीब सा माहौल कुछ चंद सेकंड्स के लिए बन गया, लेकिन उसके बाद तुरंत ही पूरे मामले का पता लगा लिया गया। हुआ ये कि एक महिला जो कि खुद को बीजेपी कार्यकर्ता बता रही है, वो भी प्रधानमंत्री मोदी पर फूल बरसा रही थी, लेकिन मोदी को सामने देखने के बाद वो इतनी उत्साहित हो गई कि उसने जाने अनजाने में फूल की जगह अपना फोन फेंक दिया। जैसे ही एसपीजी ने इस पूरे घटनाक्रम को देखा, उन्होंने तुरंत उस महिला को हिरासत में ले लिया, उससे पूछताछ की गई। पूछताछ के दौरान महिला ने बताया कि वो बीजेपी की ही कार्यकर्ता है और ऐसा उसने जानबूझकर नहीं किया बल्कि उससे गलती से हुआ। महिला ने बताया वो प्रधानमंत्री की तरफ फूल फेंक रही थी, लेकिन उसे ध्यान नहीं रहा और गलती से मोबाइल भी फूल के साथ चला गया। पूछताछ की गई, थोड़ा सबूत इकट्ठे करने की कोशिश की गई तो एसपीजी के हाथ कुछ नहीं लगा, लिहाजा साफ तौर पर ये पता लग गया कि महिला ने जानबूझकर ऐसा नहीं किया, उसका इंटेंशन कुछ गलत नहीं था, वो प्रधानमंत्री मोदी को देखकर उत्साहित हो गई इसीलिए ऐसी गलती कर बैठी। खैर, पुलिस की तरफ से भी यही बयान आया है कि इस महिला का कोई गलत इरादा नहीं था, लेकिन इतना जरूर है कि प्रधानमंत्री मोदी की सुरक्षा को और भी ज्यादा चाक चौबंद अब कर्नाटक में कर दिया गया है। आपको बताते चले, सोशल मीडिया पर इस पूरे घटनाक्रम का वीडियो वायरल हो रहा है। इसी वीडियो के साथ आपको छोड़े जा रहे हैं। आप इस खबर पर क्या राय रखते हैं, कमेंट करके अपनी राय हमें जरूर।